हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी की मदद से चोर को कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। ये सवाल कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। आपको इसको बनाने का बढ़िया तरीका आना चाहिए और कम टाइम में बनाने का तरीका आना चाहिए, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी से ही पॉसिबल है। अगर ऐसे लोग जो पहली बार ये वीडियो देखने आए हैं, आप पहले क्या कीजिए कि जाइए पार्ट वन का वीडियो देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी पार्ट वन, फिर आपको ये सवाल समझ में आएगा। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सवाल है, एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा। कह रहा है कि एक चोर है। देखो डायग्राम हम बनाते हैं, आप लोग को नहीं बनाना है। डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आप समझ लो, रिवीजन करो, एग्जाम में एकदम 2 सेकंड में बना दो। चलिए देखते हैं। एक चोर 12 बजे कार चुराता है। टाइम हो रहा है 12 बजे, रात में चुराया होगा। 12 बजे रात में कार चुरा रहा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलता है। 3 बजे चोरी का पता चलता है। देखो भाई, 3 घंटा बाद, तब तो चोर कहां से कहां तक पहुंच गया होगा। 3 बजे चोरी का पता चला और उसका पीछा किया जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की मदद से। तो हमसे पूछता है कि चोर कितने घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा। आप हमको बताओ कि 12 बजे चोरी हुआ, 3 बजे चोरी का पता चला, चोर कितना घंटा भाग गया। 3 घंटा भाग गया। 3 घंटा मान लो कि भाग के यहां पहुंच गया चोर। चोर का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो 3 घंटे में कितना दूरी चल गया होगा। तो 60 × 3 180 किलोमीटर। चोर जो है 180 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। मान लो अब चोर यहां है, अब घर वाले का नींद खुला है 3 बजे, और ये कार तो है ही नहीं, चलो चोर का पीछा करते हैं, और इसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कहता कितना घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा। मिलने का टाइम, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चोर कितना दूर भाग गया है, 180 किलोमीटर। चाल देखो, चोर भाग रहा है 60 का स्पीड से, पीछा किया जा रहा है 80 का स्पीड से। जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 80 में से 60 गया 20, काट दो, 0 0 कैंसिल, 2 × 9 = 18, 9 घंटा। मतलब जो चोर है वो 9 घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा। बन गया सवाल। मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी, यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी से मिलने का टाइम निकलता है कि कितने घंटे बाद मिल लेगा या कितने घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा। अब क्या होगा कि इस सवाल से कई तरह का क्वेश्चन बनता है। अभी इसमें एक ही क्वेश्चन हमको पूछा है कि कितने घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा, इसमें 2-3 तरह का और क्वेश्चन बनता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी कब लगाते हैं, जब दो चीज गति कर रहा हो एक समान समय में। वो कौन सा समय है, 3 बजे का समय था जब चोर भी गति में था और घर वाला भी गति में था, और दोनों के बीच का कुछ दूरी था। कितना था, 180 किलोमीटर। ये आप किसी सवाल को पढ़ के खुद पता कर लीजिएगा कि दोनों के बीच कितना दूरी है। जैसे खुद पता कर लिए ना कि चोर 3 घंटा भाग गया है, 3 घंटा में 180 किलोमीटर चल गया है, सिंपल है बहुत। तो ऐसे हम रिलेटिव वेलोसिटी का प्रयोग करके कितने घंटे बाद वो पकड़ लिया जाएगा वो निकालते हैं। अब एग्जाम वाला क्या करता है ना, इस सवाल में तो सिर्फ एक क्वेश्चन था कि कितने घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। कैसा बन सकता है, पहला तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि चोर कितने किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा, मतलब कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा। हम बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिए हम जो बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि चोर कितना दूर पकड़ा जाएगा, तो हमसे दूरी पूछ रहा है। बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो पीछा कौन कर रहा है, घर वाला, जिसका चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। समय कितना लग रहा है, 9 घंटा लग रहा है उसको पीछा करने में, मतलब 9 घंटे में पकड़ ले रहा है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो 80 × 9 = 8 × 72 = 720,
चोर 720 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कितने बजे पकड़ा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। ये 9 घंटा क्या है? ये 9 घंटा बाद पकड़ा जाएगा, ये टाइम नहीं है। अब टाइम आपसे पूछा कि कितने बजे पकड़ा जाएगा, बताओ पीछा कब से शुरू किया? 3 बजे से, और 9 घंटा बाद पकड़ा जा रहा है, 3 में से 9 जोड़ो 12 बजे, मतलब 12 बजे पकड़ा जाएगा। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और घुमा के पूछ सकता है कि जब चोरी हुआ उस समय से कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा। क्या पूछेगा कि जब चोरी हुआ उसके कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा। चोरी कितने बजे हुआ? 12 बजे, ठीक है, लेकिन पकड़ा जा रहा है 9 घंटे बाद। ये जो 9 घंटा है कब से है? वो 3 बजे से, क्योंकि उसका पीछा होना शुरू हुआ 3 बजे से। क्योंकि हम जो डिस्टेंस लिए हैं 180 किलोमीटर, ये कब का है? 3 बजे का है। 3 बजे चोर यहां तक आ चुका था, तो ये जो 9 घंटा है ये 3 बजे से काउंट होगा कि 3 बजे के बाद 9 घंटे बाद चोर पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अगर हमको ये पूछे कि चोरी होने के कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा, जब 3 बजे से 9 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, तो चोरी 12 बजे हुआ था तो 12 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, मतलब चोरी होने के 12 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। चोरी होने के 12 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है। तो इतना क्वेश्चन बनेगा, एक तो आपको कितना दूरी पे पकड़ा जाएगा ये, कितना घंटे बाद पकड़ा जाएगा ये, कितने बजे पकड़ा जाएगा ये, और फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चोरी होने के कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक सवाल में हम इतना लंबा टाइम क्यों लगा रहे हैं? मेरा उद्देश्य है कि आपको एक सवाल से आपका दिमाग चौड़ा करें। एक सवाल से कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम कैसे कैसे पूछा जा सकता है, मतलब एग्जामिनर आपको कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका दिमाग खुला रहेगा तब तो बना पाइएगा। आप अगर दिमाग खुला नहीं है, सिर्फ ये कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा सिर्फ आपको ये निकालना आता है, बाकी कंसेप्ट है ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 9 बजे पटना से खुलती है, एक अन्य रेलगाड़ी दोपहर 2 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से उसी दिशा में चलती है। पटना से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी, हमसे ये पूछा। कहता है कि दो रेलगाड़ी है, पहला जो है ना 9 बजे पटना से, मान लो ये पटना है जगह, ठीक है, पटना जंक्शन है, 9 बजे पटना से खुलती है, उसका चाल कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि एक दूसरी रेलगाड़ी 2 बजे खुलती है और उसका चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तब हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि दोनों रेलगाड़ियां पटना से कितने किलोमीटर दूर पर एक दूसरे से मिलेगी, ये पूछ रहा है। अब ये देखो कि ये निकला 9 बजे, ये निकला 2 बजे, ये कितना घंटा पहले निकल चुका है, ये रेलगाड़ी इससे कितना घंटा पहले निकल चुका है, 5 घंटा पहले। इस 5 घंटे में ये रेलगाड़ी कितना दूर चला गया होगा, इसका चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में ये 25 किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर चला गया होगा, 125 किलोमीटर। समझो कि 5 घंटे में ये यहाँ पहुँच गया, 125 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। अब ये रेलगाड़ी 2 बजे खुलता है, तब हमसे पूछता है कि बताओ कितना दूर पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम मिलने का दूरी पूछ रहे हैं हमको कि कितना किलोमीटर की दूरी पर, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय होता है। चाल तो हमको पता है, समय पता नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी की मदद से समय पता करेंगे कि कितना घंटे में मिलेगा, तो मिलने का टाइम निकाल लें। मिलने का टाइम दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना दोनों के बीच, 125 किलोमीटर। चाल कितना है, देखो एक का 25 चाल है, एक का 35 चाल है,
और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, आपको बताया था कि समान डायरेक्शन में जाएगा तो चाल को घटा देंगे, 35 में से 25 गया 10, तो आ जाएगा कितना काटेंगे तो 12.5 घंटा, मतलब 12.5 घंटा बाद ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को पकड़ लेगी या इस रेलगाड़ी से मिल लेगी, कितने घंटे बाद 12.5 घंटा बाद। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि कितने घंटे बाद मिलेगा, हमको ये पूछा कि कितना दूर मिलेगा, तो दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर क्या था 4 गुना समय, 40 का कितना है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लग जाता 12.5 घंटा, उड़ा दिए 5 गुना 10, 5 गुना 10 25, 25 गुना 35, 25 पंचे 125, और 25 75 और 12 87 बटे 2, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, मतलब 437.5 किलोमीटर की दूरी पे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगा, कितना दूरी पे 437.5 किलोमीटर की दूरी पे, कहाँ से पटना से। सवाल समझ में आया, बिल्कुल आ गया। चलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप जो देखते हैं ये सब थोड़ा आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में ऐसा डायग्राम वगैरह नहीं बनाइएगा, हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। और रिवीजन जितना हो सके उतना कीजिएगा, रिवीजन अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, आपका कैलकुलेशन कमज़ोर होगा बिना रिवीजन का, इसलिए रिवीजन मस्ट, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहता है कि रिवीजन इज ब्रेकफास्ट ऑफ स्टूडेंट्स, समझे कि विद्यार्थियों का जो रिवीजन है वो क्या है, नाश्ता है, जैसे नाश्ता करते हैं ना डेली, वैसे रिवीजन भी करना है,